आज हम बात करने वाले हैं प्ले ग्रुप के हिंदी सिलेबस के बारे में। प्ले ग्रुप का सिलेबस शुरू कराने के लिए हम सबसे पहले उन्हें कराएंगे रीडिंग विद पिक्चर। रीडिंग विद पिक्चर से मतलब है हमारा कि हम जो कुछ भी बच्चे को करा रहे हैं वो हमें पिक्चर के साथ उसे कराना है, यानी पिक्चर उसे दिखाते हुए जाना है। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले उन्हें कराएंगे हिंदी स्वर अ से लेके आहा तक, तो उन्हें साथ में पिक्चर्स भी दिखाते जाना है। जैसे हमने बताया अमिस अनार, आ से आम, ई से इमली, इस प्रकार से पूरा आ तक बिग पिक्चर हम लोग उन्हें कराएंगे, जिससे कि बच्चा आगे चलकर उसको पहचान भी सके। आगे हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग हम लोग सबसे पहले उन्हें कराएंगे स्क्रिबलिंग ऑन स्लेट और पेपर। पहले उन्हें आड़ी तिरछी उल्टी सीधी जैसी वो चाहने लाइन खींचने भी सिखाएंगे, जिससे बच्चा जो है पेंसिल को पकड़ना सीखे। इसके बाद हम उन्हें डॉट्स सिखाएंगे, डॉट्स बनाना। इसके बाद हम लोग उन्हें सिखाएंगे स्टैंडिंग लाइंस। इस प्रकार से हम लोग उन्हें डॉट्स बना करके दे देंगे, ठीक है, और फिर उन्हें हम लोग जोड़ने के लिए बोलेंगे। बच्चा धीरे धीरे करके उन्हें इस प्रकार से जोड़ेगा। फिर देन ऐसे ही हम लोग सिखाएंगे स्लीपिंग लाइंस। डॉट्स बनाकर उन्हें दे दीजिए और उन्हें फिर उन्हें ज्वाइन करने के लिए बोलिए। बच्चा स्टार्टिंग में सही से नहीं बना पाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वो इनको अच्छे से ज्वाइंट करने लग जाएगा। हिंदी में राइटिंग में हमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं कराना है, क्योंकि हिंदी के जो अक्षर रहते हैं वो टफ रहते हैं, वो बच्चे को भी पेंसिल सही से पकड़ना नहीं आती है, जिससे वो आले तिरछे अक्षर अभी नहीं बना पाएंगे। अभी हमें सिर्फ डॉट्स, स्क्रिबलिंग, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन्स पर ही ध्यान देना है, और साथ में ट्रेसिंग कराना है और कलरिंग कराना है। राइटिंग में हम लोग इंग्लिश और मैथ्स में कौन कौन से अक्षर बनाना सीखना है उसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हिंदी में हमें उन्हें अभी किसी प्रकार की भी राइटिंग नहीं कराना है, सिवाय ट्रेसिंग कलरिंग के अलावा। इसके बाद हम चलते हैं ट्रेसिंग की तरफ। ट्रेसिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से बॉक्स जब हम लोग को उनको बनाने के लिए दे देंगे बना करके, उसके बाद उन्हें बोलेंगे कि इसे उनको क्या करना है, ट्रेस करना है, उसके ऊपर पेंसिल से फेरना है। इस प्रकार से बच्चा ट्रेस करना सीखेगा। बड़े बड़े बॉक्सेस बनाने की दीजिए, क्योंकि बच्चे ने इससे पहले कभी पेंसिल नहीं पकड़ी है तो उन्हें बनाने में दिक्कत ना हो, और साथ में आप इन्हें इसमें कलर करने के लिए भी दें। कलरिंग से क्या फ़ायदा होगा, बच्चा जितना कलरिंग करेगा, गोदागादी करेगा, आठ आठ से पेंसिल चलाएगा, स्केल चलाएगा, क्रेयॉन चलाएगा, उससे क्या होगा कि उसकी पेंसिल को पकड़ने की ग्रिप अच्छी होगी, पेंसिल को सही तरीके से पकड़ना सीखेगा। इसके बाद हम चलते हैं रिकॉग्नाइजिंग तरफ। इसे हम लोग कराएंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए उन्हें आ से यहाँ तक स्वर करा दिए हैं, उसके बाद हम जांचेंगे बच्चे को वो पहचानना आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उन्हें वर्कशीट बना करके दे देंगे और बच्चे को बोलेंगे आ मिस क्या होता है, तो बच्चा जा करके अनार से मिलाएगा, ठीक है, फिर आम से, फिर इमली से, ईख से, इस प्रकार से बच्चा मिला करके बताएगा। एक दो से करके बता दीजिए स्टार्टिंग में, फिर उसको तरह तरह की नई नई वर्कशीट बना करके दीजिए और उससे इस प्रकार से मैच करवाइए। नेक्स्ट हम इस प्रकार की वर्कशीट दे सकते हैं, समान अक्षरों से मिलान करो, सेम अक्षर बच्चा मिलान के देगा, और देखिए सामने लाइन में कहाँ दिख रहा है, इसको एक करके बता दीजिए, फिर बाकी को उसे करने के लिए दे दीजिए, तो बच्चा एक एक करके यहाँ से ऐसा मिलान करके बताएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चा जो है अक्षरों को पहचान पाएगा, और सेम अक्षरों को भी पहचान पाएगा कि एक मिलता जुलता अक्षर कौन सा है, अलग कौन सा है, ठीक है, और इससे हमें भी पता चलेगा कि बच्चा कितना सीख पा रहा है। अगर वो नहीं सीख अभी तक इनको नहीं पहचान पा रहा है, अब वो वापस से जा करके स्वरों को फिर शेयर कराना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। सही अक्षर पर गोला लगाओ। देखिए आ से अनार होता है, तो बच्चा यहाँ पर जाएगा और आप पे गोला लगाएगा। आपको एक दो बच्चे को पहले स्टार्टिंग करके बताने पड़ेंगे, और धीरे धीरे करके बच्चा फिर वहाँ पे खुद ही करने लग जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर गोला बनवा सकते हैं, और चाहे तो आप उस पर टिक भी लगवा सकते हैं, बच्चे को जो ईजी लगे वैसा आप उसे करवाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं समान अक्षर पर गोला लगाओ। देखिए बच्चे को बता दीजिए कि
कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो उसको इस रो में से ढूंढ करके बताना है कहाँ पर है, तो बच्चा उस पर टिक करेगा या गोला लगाएगा। एक उससे करके बता दीजिए, नेक्स्ट से फिर पूछिए ये कहाँ पर लिखा हुआ है, तो बच्चा टिक करके बताएगा कहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ये कहाँ लिखा हुआ है, तो बच्चा टिक करके बताएगा ये कहाँ लिखा हुआ है, फिर बच्चा टिक करके बताएगा। इस प्रकार से समान अक्षर पर उसे गोला लगाना है या टिक करवाना है, तो वो समान अक्षरों को पहचानना सीख जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सही अक्षर पर गोला लगाओ, अनार के लिए क्या अक्षर आता है, तो बच्चा जाएगा और पहचानेगा। ठीक है, आम के लिए क्या आता है, जाएगा बच्चा टिक करेगा या गोला लगाएगा। इस प्रकार से आप उसे बनाने के लिए देने, यहाँ पर मैंने बहुत सारी वर्कशीट दी हैं जिससे कि आप बच्चे को खेल खेल में और आसानी से सिखा सके। तरह तरह की नई नई वर्कशीट उन्हें बना कर दीजिए जिससे बच्चे इंटरेस्ट साथ सीखें। ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की बोरियत ना हो। बच्चे जितने ज़्यादा इंटरेस्ट साथ सीखेंगे, खेल के लिए भी सीखेंगे, उतना ज़्यादा वो याद रख पाएंगे और आगे पढ़ाई में भी रुचि लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्कशीट बनाकर दी है, अक्षर आ को जोड़कर राधा को अनार तक पहुँचने में मदद करो। तो आप बच्चे को एक बार बता दीजिए कि बच्चे इस लड़की को यहाँ से अ से होते हुए जाना है और कहाँ तक पहुँचना है, अनार तक पहुँचाना है, किस प्रकार ले जाएंगे। तो बच्चा इस प्रकार से धीरे धीरे करके चलते जाएगा, जहाँ जहाँ पे अनार देखेगा अ से होते हुए धीरे धीरे करके जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर बच्चे को जिस भी अक्षर को पहचानने में दिक्कत हो रही हो उस अक्षर से रिलेटेड आप वर्कशीट यहाँ पर बना करके कॉपी पर दे सकते हैं और बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, सभी ए का पता लगा और उन्हें गोला बनाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया बच्चे को जिस अक्षर में डिफिकल्टी हो रही है उस प्रकार की आप वर्कशीट से बना करके दें और फिर वो पता लगाने के लिए दें। तो बच्चा क्या करेगा, इस रा में जाए, रो में जाएगा, ए पता लगाया कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जाएगा कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार सर्च करके बताएगा। आप जो चाहे वो अक्षर यहाँ पर उसे लिख करके दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी हमने उन्हें सिर्फ अ से आहा तक ही अक्षर सिखाए हैं, इसलिए हमें वर्कशीट भी उन्हीं के अंदर की देनी है। ठीक है, उन्होंने जो भी वर्क करने के लिए हम दे रहे हैं वो अ के अ से अह के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उससे आगे का उन्हें अभी नहीं सिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं, स्वर पढ़ो, चित चिपकाओ और रंग भरो। इस प्रकार से आप उन्हें स्वर लिख करके दे दीजिए, उससे रिलेटेड चित्र आप बना करके दे दीजिए या तो पेपर से कटिंग वगैरह कर दे दीजिए उन्हें, फिर यहाँ पर कलर करने के लिए दे दीजिए, जिससे क्या होगा बच्चे कलरिंग सीखेंगे और अक्षरों को और उससे रिलेटेड वस्तुओं को पहचानना भी सीखेंगे। उसके बाद आप उन्हें हिंदी में कुछ पोएम्स सिखा सकते हैं, 8 से 10 पोएम्स बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो उन्हें वो इंटरेक्ट साथ पढ़ते भी हैं और याद भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि एक चिड़िया के बच्चे 4, आलू का चालू बेटा, बंदर मामा पहन पजामा, मछली जल की रानी, हाथी राजा। इस प्रकार से आप उन्हें हिंदी में कविता याद कराइए। इसके बाद स्टोरीज कहानी कराइए, जैसे चतुर कौवा, बिल्ली के गले में घंटी, बंदर और मगरमच्छ, लालची कुत्ता, चालाक बकरी। इस प्रकार से तरह तरह की आप स्टोरीज उन्हें करा सकते हैं। ठीक है, स्टोरी छोटी और शिक्षाप्रद होनी चाहिए। छोटी इसलिए कि बच्चे अभी बड़ी स्टोरी को याद नहीं रख पाएंगे, और शिक्षाप्रद रहेगी तो आखिरी में उस स्टोरी का मोरल उन्हें बताइए कि उस स्टोरी से उन्हें, उस कहानी से उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है, तो बच्चा उस मोरल को आगे जाके याद रख सके। और कभी कभी बातों बातों में उसे याद दिलाने की कोशिश कीजिए कि हमने उस कहानी से क्या सीखा था, तो बच्चा उस बात को अपने दैनिक जीवन में भी अमल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, बच्चों को हमें खेल खेल में सिखाने की कोशिश करना है, उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाना है। हम जो कुछ भी बच्चे को बता रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो उसे पहचानना आना जरूरी है। आप कोशिश कीजिए कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसे याद भी रखने की कोशिश करे। आप जहां भी जाएं, जो कुछ भी आपके आसपास देखे उसे बच्चे को बताने की कोशिश कीजिए। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न पूछने लगें। उस समय जितना हो सके उनके प्रश्नों का उत्तर बड़े ही प्यार के साथ और धार साथ दें, जिससे वे उसे आसानी से याद रख सकें। उदाहरण के साथ मैंने इसलिए यहाँ पर बोला है कि बच्चे एग्जाम्पल के साथ जब भी हम लोग उन्हें कुछ बता दें तो उसे वो आसानी से याद रख सकते हैं और उन्हें समझने में भी आसानी होती है। बच्चों को कुछ भी सिखाने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ एक साथ कराने की कोशिश नहीं करना है।
बच्चे की कैपेसिटी और इंटरेस्ट के अनुसार ही बताने की कोशिश कीजिए। कम इंटरेस्ट वाले टॉपिक को हम बाद में धीरे धीरे करा सकते हैं, जिससे कि उसके मन में किसी प्रकार का डर ना बैठे और वो पढ़ने से डरे नहीं। बच्चों को मोबाइल पर वीडियो कम से कम दिखाने की कोशिश करें, उसे जो कुछ भी सिखाना है वो उसे बुक्स और नोट्स की मदद से सिखाएं। बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए बच्चे से ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि ये तो आपको ही पता है कि मोबाइल बच्चों के लिए नुकसानदायक है। मोबाइल और वीडियो के सहारे बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती है। रूम में अगर अलग अलग प्रकार के चार्ट या पिक्चर्स लगा दिए जाएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छा से सीख पाएगा। बच्चा आते जाते जब भी उन्हें देखेगा और आपसे पूछेगा कि वो क्या है, तब उसे उसके बारे में बता सकते हैं। इससे उसे यह सब अच्छे से याद रह जाएगा। एक्टिविटी ऑफ द मंथ, अर्थ डे, फादर्स डे, रेड डे, ग्रीन डे, इंडिपेंडेंस डे, इस प्रकार की बच्चों को नई नई एक्टिविटी कराएं। महीने में कम से कम एक एक्टिविटी जरूर कराएं, जिससे क्या है बच्चा इन सब के बारे में जानेगा और सीखेगा। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक का रिवीजन बहुत जरूरी है। जब जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम पुराने टॉपिक का रिवीजन अवश्य करेंगे। अगर उस टॉपिक में कोई परेशानी नहीं है तभी हमें आगे जाना है, अन्यथा पुराने टॉपिक को थोड़ा समय और देंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। आगे की वीडियो आपको इंग्लिश, मैथ्स और जीके के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। नर्सरी का, सॉरी प्री नर्सरी का पूरा सिलेबस एक वीडियो में भी बना हुआ है, जिसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और चाहे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको हिंदी का वीडियो, हिंदी सिलेबस का वीडियो बना करके दिया है।